कोरोना संकट से उपजे हालातों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज 3 बजे समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा के शामिल होने पर संशय बरकरार है, तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी हिस्सा यहां पर नहीं लेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी की अगुवाई में होने वाली बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी नेता शरद पवार, डीएमके नेता एमके स्टालिन समेत राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष अजीत सिंह और लेफ्ट की ओर सीताराम येचुरी शामिल होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि जनता दल से HD देवगौड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला में से कोई एक यहां पर शामिल हो सकता है। सपा बसपा ने और साथ ही आपने यहां पर दूरी बनाई हुई है। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के द्वारा यहां रणनीति बनाई जाएगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की 3 बजे यह बैठक होगी। समान विचारधारा वाले विपक्षी दल यहां पर मौजूद होंगे। कोरोना संकट से उपजे हालातों को लेकर यह पूरी बैठक होगी। विपक्षी दलों के साथ चर्चा करेंगी सोनिया गांधी।